नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। राज्य ने 3 कृषि कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि बिहार में नए 3 कृषि कॉलेज अब संचालित किए जाएंगे। ये कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ये सारे कृषि कॉलेज आएंगे और इसके लिए पूरी जो तैयारी है वो कर ली जा चुकी है। अगले सत्र से पढ़ाई भी इसमें शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए सरकार की तरफ से शिक्षकों के और कर्मचारियों के अब रिक्तियाँ आई हैं, यानी कि काफ़ी रिक्तियाँ इस शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए लाई गई हैं। साथ साथ अगर हम बात कर लें पटना कॉलेज की, तो पटना कॉलेज में भी कृषि डिपार्टमेंट में अब शिक्षक और कर्मचारियों के लिए रिक्तियां आई हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कितने कितने पद शिक्षक और कर्मचारियों के लिए रिक्त हैं। 3 कॉलेजों के लिए 145 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पदों के लिए रोस्टर बनाना शुरू कर दिया है। रोस्टर क्लियर करने के बाद जल्द ही इन पदों पर बहाली विश्वविद्यालय शुरू करेगा। राज्य के 3 नए कृषि कॉलेजों के लिए जो पद सृजित किए गए हैं उनमें 102 पद सिर्फ शिक्षकों के लिए हैं। इसके अलावा 43 पद शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए हैं। वहीं अगर कृषि प्रबंधन कॉलेज पटना में 42 शिक्षकों और 9 गैर शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद बनाए गए हैं। इसके अलावा डुमराव कृषि अभियंत्र कॉलेज के 36 शिक्षकों और 19 गैर शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद बनाए गए हैं। इसके तहत भागलपुर के कृषि बायोटेक कॉलेज के लिए 24 शिक्षकों और 15 गैर शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद बनाए गए हैं। अगले सत्र में नामांकन के पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय को बहाली कर लेना होगा। तो आपको बताएं कि इस तरीके से अब 145 पदों के लिए रिक्तियां आई हैं। इन सब पदों को सृजित कर दिया गया है और जल्द आवेदन करने की बात कही गई है, क्योंकि अगले सत्र से नामांकन भी शुरू हो जाएगा, पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द सरकार अब इस पर भर्ती करेंगी, क्योंकि ये पद रिक्त हैं। और इस बार 3 नए कृषि कॉलेज बिहार में खुल रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ये सारे कॉलेजेस आएंगे। और आपको बताएं कि अभी मीठापुर में भी एक कृषि कॉलेज बन रहा है, इसके लिए भी जमीन आवंटन सरकार की तरफ से कर दी गई है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी कृषि के कॉलेज बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से अब शिक्षक और कर्मियों के लिए ये बम्पर वैकेंसी है। जो भी लोग शिक्षक और कृषि में कर्मियों का काम करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप आवेदन करके वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो शिक्षक के लिए एक बम्पर बहाली है। 145 पद सरकार की तरफ से सृजित किए गए हैं और जल्द इस पर आवेदन करने की भी बात कह दी गई है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।